हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हमसे ढेर ढेर सारी उम्मीदें की जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम एक ऐसे टीवी प्रोग्राम का हिस्सा है जहां पर हमेशा कपिल शर्मा की तरह हमको हंसाना है लोगों को। देखा है, जैसे लोग जज बैठे हैं सामने और हर दूसरी लाइन में एक पंच डालना चाहिए ताकि लोग हंसे, या कोई गलती करें आप तो लोग आपसे सॉरी सुनना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव कि आपको लगता है कि नहीं लगता है। बहुत बार ऐसा तो लगता है हमको सॉरी गलती हुई नहीं हमसे, और जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं सॉरी के लिए तो ऐसा नहीं होता कि चुपचाप आपके पास आकर बैठ जाते हैं, वो आपको बातें कहना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि जो सो कॉल्ड गलती हुई है वो आपको लगता नहीं कि गलती हुई है, वो खाली उन्हीं को लग रहा है गलती हुई है। आप तो आंखों से अंधे हैं और कान से बहरे हैं। आपके सामने घटना हुई, सामने वाले के सामने घटना हुई, और घटना नहीं है दुर्घटना है, और सामने वाला ही देख पा रहा है आप नहीं देख पा रहे। फिर वो बिगड़ी हुई दूध दही को और दही खट्टा करना चाहते हैं ताकि समझा दें, आशु दोबारा ऐसी गलती मत करना, या हमको ऐसी गलती रोकने के लिए ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। फिर मैंने देखा इसमें होता क्या है, जो मेरा मन है, जो सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ है, उस इंसिडेंस से लर्न करने के बजाय, सीखने के बजाय, पता है क्या करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर जो एक और लेयर आ गया है, रियलाइजेशन ऑफ गलती, उसके चक्कर में बेचारा पड़ जाता है कि कैसे मैं सामने वाले को ये दिखाऊं कि मुझे गलती रियलाइज हुई है कि नहीं हुई है। ये कमाल की फाइंडिंग हुई मुझे आज कि मन एक्चुअली किसी भी घटना से सीखने की कोशिश करता है। शीश छोटे से थे, आज शीश के पैर में एक वो शीशे का टुकड़ा घुस गया ना, और हम लोगों ने सीखा कि घर में सफाई होनी चाहिए, सीख लिया। अब अगर मैं उसके लिए डांटूंगा इनको तो क्या ज्यादा सीख लेंगे? हर घटना से आपको पता है बिल्लियां गमले नहीं तोड़ती, बिल्लियां यहां से गमलों के बीच में से चलती हैं, बंदर चल के जाते हैं ऊपर से, रोज सुबह यहां से बंदर जाते हैं, और ऊपर लोहे के हमने वो लगा रखे हैं सरिये टाइप के, और उसमें से बंदरों को चोट नहीं लगती। उन्होंने अपनी ढेर सारी गलतियां बचपन में कर ली हैं। हम बेचारे बड़े बड़े बंदरों को गलतियां करने के लिए अलाउड ही नहीं है, पहरेदार खड़े हैं। जब गलतियां नहीं करने दोगे तो सीखेंगे कहां से? मेरे हिसाब से हटा देना चाहिए शब्द, ये शब्द शेक्सपियर ने खोजा हो या जिसने भी खोजा हो उसको हटा देना चाहिए। मिस्टेक्स, नेचर में कोई मिस्टेक नहीं होती, नेचर में खाली एक्टिविटीज होती हैं, और नेचर उससे सीखता है फिर करता है, फिर सीखता है फिर करता है। लेकिन ह्यूमंस ने, जैसे आपने कहा ना, वी गो विद अ प्री कंसीव्ड नोशन, जब भी हम कुछ करते हैं तो पहले से सोच के रखते हैं कि इसको ऐसा ही करना है, और उस ऐसा ही करने के चक्कर में हमारे वो हो जाती है रीटेक रीटेक रीटेक, उसको हमने मिस्टेक मिस्टेक ना दिया है। मैंने देखा इससे हुआ क्या, आज जैसे शाम को मैम आई और हमारे यहाँ सेंटर में कुछ मिस्टेक मैंने की थी, और मिस्टेक के लिए उन्होंने मुझे बताया कि ये मिस्टेक हो गई थी, इसको ऐसे ठीक कर सकते थे, वैसे ठीक कर सकते थे, और उस ठीक करने से मुझे मालूम पड़ा, पता है क्या हुआ मेरे दिमाग में, उसको मैंने नाम दिया है मन की रेडियो का शोर। हमारा मन है चीजों से रिलेट करता है, और जैसे रिलेशनशिप हो जाता है तुरंत सीखना चालू हो जाता है। कोई भी घटना होती है, आज मैंने 5-6 किताबें ऑर्डर की हैं, 786 रुपए की 6 किताबें, पिच्चई की बायोग्राफी, पिच्चई को जानते हैं आप, सीईओ गूगल करंट, और नंदेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, उसकी ऑर्डर की है, अमूल कंपनी के जो वो हैं सीईओ उनकी बायोग्राफी ऑर्डर की, और एक और मिस्टर श्रीधरन मेट्रो रेल जो बना रहे थे उनकी बायोग्राफी। ऐसे सीखना नहीं चाहता हूं तो क्यों ऑर्डर कर रहा हूं? कैसे सीखा मैंने ऑर्डर करना, बोलना कैसे सीखा? बिकॉज इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। फेसबुक, पता है कोई फेसबुक पे कोई मिस्टेक नहीं होती, आप कोई भी फोटो डाल दो फेसबुक डिलीट नहीं करता उसको, वो दोस्तों से पूछवाता है कि आपको
बहुत बार होता है ना, अगर आपको कोई फोटो पसंद नहीं तो आप उसमें स्पैम कर दीजिए, फिर भी वो कुछ दिन के लिए तो 2-4 दिन के लिए डाल ही सकते हैं आप। मैं चाहता हूं दुनिया में और लोग माने चाहे ना माने, हम 1, 2, 3, 4 श्रीश, अनिल, अमन और आशीष, ये चारों अपनी लाइफ में से मिस्टेक वर्ड निकाल दें। अगर और भी कोई सुनता हो तो वो भी निकाल दे। मिस्टेक वर्ड होता ही नहीं लाइफ में, कोई भी मिस्टेक नहीं होती। हमने कुछ किया उसका एक रिजल्ट होता है। आज मैं बड़ी खास चीज आपको बताने चाहता था। सुबह सुबह मैंने सुना और शक्ति जी को धन्यवाद इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे किताब पढ़ने के लिए कहा है। एक आदमी आकर के कृष्णमूर्ति को बोलता है, कृष्णमूर्ति प्लीज मुझे अवेयरनेस समझाइए जो आप बोलते हैं अवेयरनेस। तो कृष्णमूर्ति ने उसको बहुत बारीकी से अवेयरनेस का सर्जरी किया है। उसको पढ़ते हैं। थैंक्स टू कृष्णमूर्ति, थैंक्स टू शक्ति जी एंड थैंक्स टू दिस मैन हु इज आस्किंग कृष्णमूर्ति। ये है अर्जेंसी ऑफ चेंज नाम की किताब आई थी जो फिलहाल पेंगुइन वाले सेकंड कृष्णमूर्ति लीडर के नाम से छापते हैं। इसमें दो किताबें हैं तो सेकंड वाली बुक में ये चैप्टर है। बहुत ईमानदार जिज्ञासु होगा जो उनसे पूछने आया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, आई शुड लाइक टू नो व्हाट यू मीन बाय अवेयरनेस बिकॉज यू हैव ऑफन सेड दैट अवेयरनेस इज रियली व्हाट यू योर टीचिंग इज अबाउट। मैं आपसे जानना चाहता हूं अवेयरनेस क्या होती है, क्योंकि आप जो खुद ही कहते हो कि अवेयरनेस ही वो चीज है जिससे कि जादू हो जाता है, तो क्या है? आई हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय लिसनिंग टू योर टॉक्स एंड रीडिंग योर बुक्स। मैंने आपकी बातचीत सुनकर के, आपकी किताबें सुनकर के मैंने समझने की कोशिश की है, बट आई डोंट सीम टू गेट वेरी फार, लेकिन मैं दूर तक बहुत पहुंचता नहीं। आई नो इट इज नॉट अ प्रैक्टिस, मैं जानता हूं इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड आई अंडरस्टैंड वाई यू सो एम्पेथेटिकली रिप्यूडेट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल सिस्टम डिसिप्लिन और रूटीन। और मैं जानता हूं कि आप क्यों किसी भी तरह के प्रैक्टिस रूटीन के खिलाफ बहुत प्यार से मना करते हो कि नहीं करना चाहिए। आई सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, मैं जानता हूं कि प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए किसी चीज को, उसकी जरूरत मैं समझता हूं। फॉर क्योंकि अदरवाइज इट बिकम्स मैकेनिकल, क्योंकि फिर वो आदत बन जाता है, मैकेनिकल हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द इट द माइंड हैज बिकम डल एंड स्टूपिड। और कोई भी मैकेनिकल काम आप करेंगे बिना सोचे समझे, बिना दिमाग यूज किए, तो आदत के वश हो जाता है उसमें, फिर आपका दिमाग डल हो जाता है, स्टूपिड हो जाता है। आई शुड लाइक इफ आई मे, मैं चाहता हूं अगर आप मुझे अलाउ करें, आई टू एक्सप्लोर विथ यू द वेरी एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। इस अवेयरनेस का क्वेश्चन का एंड कहां तक पहुंचता है, ऑफ वॉट इट सीम्स टू बी अवेयर, कि अवेयर रहने का मतलब क्या होता है। यू सीम टू गिव सम एक्स्ट्रा डीपर मीनिंग टू दिस वर्ड, मैं देखता हूं कि आप इस शब्द को कुछ ज्यादा ही मीनिंग देते हैं, कुछ गहरा मीनिंग देते हैं। एंड येट इट सीम्स टू मी दैट वी आर अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल टाइम, और फिर भी हमको भी लगता है कि हम हर चीज के बारे में अवेयर है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। व्हाट व्हेन आई एम एंग्री आई नो इट, जब मैं गुस्सा होता हूं तो मैं जानता हूं। व्हेन आई एम सैड आई नो इट, जब मैं दुखी होता हूं तब भी मैं जानता हूं। एंड व्हेन आई एम हैप्पी आई नो इट, जब मैं खुश होता हूं तब भी जानता हूं। तो आपके अवेयर रहने में और हमारे अवेयर रहने में क्या अंतर है? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, काश कभी कपिल शर्मा कृष्णमूर्ति की इमिटेशन कर सके। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, आई वंडर इफ वी रियली आर अवेयर ऑफ एंगर सैडनेस एंड हैप्पीनेस। पता नहीं आप जब बोलते हैं कि मैं गुस्से के प्रति, दुख के प्रति या खुशी के प्रति अवेयर हूं। आज मैम से मेरी बहस हुई थोड़ी बहुत सो कॉल्ड मिस्टेक को लेकर। फिर मैं दुकान में गया, गुस्सा था मैं, परेशान था, गुस्सा नहीं बोलूंगा मैं, शोर बोलूंगा। नाम हटा देते हैं यार, नाम से बड़ी टेंशन होती है। क्या था मैं जब यहां से निकला तो पता नहीं क्या था, भन 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 करके दिमाग में शोर हो रहा था, रेडियो, मन की रेडियो का शोर। जैसे रेडियो को आप लगाइए कभी, आप रेडियो, आप जैसे लोग बच्चे रेडियो जानते ही कहां है आप, तो हमारे जमाने में हुआ करता था रेडियो ऐसा, उसमें आपने सुना है कभी रेडियो, उसमें ऐसा हिलाना पड़ता था गोल गोल और फिर स्टेशन पकड़ता था, और स्टेशन के जब पास पहुंचते थे वैसे तो आता था आवाज उसमें से शोर होता था, फिर जब स्टेशन के पास जो फ्रीक्वेंसी पे गाने आते हैं उसके पास पहुंचेंगे तो ऐसे आवाज आती थी, फिर जब गाने के पास पहुंच जाएंगे तब मालूम पड़ता था तेरा साथ हूं कितना प्यारा, ऐसा गाना आता था, फिर अगर उसके बियॉन्ड चले जाएंगे तब तो मन भी ऐसे ही शोर मचाता है। अब हमने उसको बड़ा फैंसी नाम दे दिया है, गुस्सा, दुख, हैप्पीनेस।
फिर मैं उस शोर के साथ बाइक पर गया एक दुकान में, दुकान वाले से मैंने चप्पल मांगा, दुकान वाले ने एक चप्पल दिखाया, मैंने कहा नहीं ये नहीं पसंद है, और एक पसंद आ गया था, मैं सोचा ले लूं, फिर मुझे अभी तक शोर था वो, फिर उसने कहा, मैंने कहा और है तो ये तो पसंद आ गया, दूसरा एक और दिखा दे, दोनों में से चूज कर लूं मैं, तो बोलता और नहीं है, मैंने उसको देखा, अपने आप को देखा, मैंने कहा रख ली, मैं और जगह जाऊंगा वहां से लेके आऊंगा, फिर वो उस दुकान के बाद मेरा शोर काफी कम हो गया था, फिर दूसरी दुकान में गए, दो चप्पल उठा के ले आए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, लेट अस बिगिन एज दो वी नो नथिंग अबाउट इट एट ऑल एंड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। चलिए अवेयरनेस के बारे में ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे हम कुछ नहीं जानते, बच्चे की तरह एकदम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से। बट लेट अस एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन विच इफ वन रियली वेंट इन टू इट वेरी डीपली वुड रिवील एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट दैट द माइंड हैड प्रोबेबली नेवर टच्ड। एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं अवेयरनेस में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट है। व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी मतलब हमारी जो जिंदगी चल रही है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इससे भी कुछ। आप लोग इस घर में आते हैं ना, कुछ ऑर्डिनरी लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगता है? ये घर ऑर्डिनरी हाउस है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाउस है? ईमानदारी से बोलिएगा जो भी आपको मैसेज होता हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है आपके हिसाब से? एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मैडम आपके हिसाब से? हमारा घर ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? ऐसे दुखी दुखी बोल रही है जैसे लग रहा है कि झूठ मुझे खुश करने के लिए बोल रही है। बट मैं जब दूसरों के घरों में जाता हूँ, बहुत से घरों में देखता हूँ हम लोग, बल्कि बहुत अमीर अमीर लोगों के घरों में भी गए हैं, उससे ज्यादा ऑर्डिनरी, ज्यादा ऑर्डिनरी तो नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलेंगे। कितना इंग्लिश कितना मतलब बदल जाता है, ज्यादा ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अवेयरनेस पे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट है, चलिए उसको हम लोग डीपली प्रोब करने की कोशिश करते हैं, जिसको माइंड शायद कभी टच नहीं कर पाता। पानी पी लीजिए, क्योंकि माइंड उसको टच नहीं कर पाएगा, बहुत सटल है, छूट जाएगा हाथ से। इफ वन रियली वेंट इनटू इट वेरी डीपली, अगर आप बहुत गहराई से इस क्वेश्चन में जाओगे, वुड रिवील, वो आपको ले जाएगा एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेट विच द माइंड हैड प्रोबेबली नेवर टच्ड, जो कि आपके मन ने पहले कभी टच नहीं किया होगा। अ डायमेंशन नॉट टच्ड बाय सुपरफिशियल अवेयरनेस, एक ऐसा आयाम जो रोजमर्रा का अवेयरनेस टच नहीं कर पाता। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सुपरफिशियल एंड वर्क थ्रू, चलो ऊपर से शुरू करते हैं और फिर नीचे जाने की कोशिश करते हैं। वी सी विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। वी परसीव विथ आवर सेंसेस, हम अपने सेंसेस से आंख नाक कान सबसे परसीव करते हैं। थिंग्स अबाउट अस, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, द कलर ऑफ द फ्लावर, फूल का रंग, हमिंग ऑफ द बर्ड, चिड़ियों की आवाज, ओवर द फ्लावर जो फूलों के ऊपर चलती है, द लाइट ऑफ दिस कैलिफोर्नियन सन, कैलिफोर्निया में होगा ये बातचीत, तो कैलिफोर्निया का सन या तो भारत का सन, उसकी लाइट हम सेंसेस से महसूस करते हैं, एंड साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज एंड सटलिटीज, ढेर सारी आवाज, द डेप्थ ऑफ द हाइट, डेप्थ एंड द हाइट, गहराई और ऊंचाई इसी सेंसेस से हम महसूस करते हैं, द शेडो ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छांव, एंड द ट्रीज इटसेल्फ, और पेड़ों को भी इन सेंसेस से हम एक्सपीरियंस करते हैं। वी फील इन द सेम वे अवर बॉडीज, और इसी तरह से हम अपने बॉडीज को भी फील करते हैं, विच आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरफिशियल सेंसरी परसेप्शन, वो शरीर जो इन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी बॉडी से तो इंस्ट्रूमेंट एक्सपीरियंस करते हैं आसपास की चीजों को। इफ दीज परसेप्शंस रिमेन्ड एट सुपरफिशियल लेवल, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल, खाली इसी लेवल पे होता परसेप्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दैट फ्लावर, दैट पैंसी, द रोज आर देयर एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट, सामने फूल पड़ा है, दीवाल है, सब कुछ अपनी जगह पर रखा है, कोई दिक्कत नहीं होती। बस देयर इज नो प्रेफरेंस, आप चूज नहीं करते कि वो मुझे पसंद है। नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होता। नो लाइक और डिसलाइक, आप पसंद नापसंद नहीं करते। ओनली द थिंग बिफोर अस विदाउट एनी साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, बस आपके सामने चीजें पड़ी होती बिना किसी साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के, आसपास चीजें पड़ी हैं बस। इट इज ऑल दिस सुपरफिशियल सेंसरी परसेप्शन और अवेयरनेस क्वाइट क्लियर, जो आप जानते हैं, चीजें आपको पता है बस, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल परसेप्शन, सुपरफिशियल अवेयरनेस। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड टू द स्टार्स,
टू द डेप्थ ऑफ द इट कैन एक्सप्लेन टू द स्टार्स टू द डेप्थ ऑफ द सीज एंड टू द अल्टीमेट फ्रंटियर ऑफ द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यूजिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ये सब चीजें हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. मतलब आपकी बॉडी है चीजों को दूर पास एक्सपीरियंस करती है. आप चाहें तो किसी मशीन से बायनोकुलर से दूर की चीजें देख सकते हैं, समुद्र की गहराई नाप सकते हैं मशीनों से. क्वेश्चन एयर यहां पर बहुत ईमानदार होगा, उसने उनको रोका. यस आई थिंक आई अंडरस्टैंड दिस, जो आप बोल रहे हैं मुझे लगता है समझ में आ रहा है. अब कृष्णमूर्ति फिर बोल रहे हैं, सो यू सी दैट द रोज एंड ऑल द यूनिवर्स एंड द पीपल इन इट, योर ओन वाइफ इफ यू हैव वन, द स्टार्स, द सीज, द माउंटेन्स, द माइक्रोब्स, द एटम्स, द न्यूरॉन्स, दिस रूम, द डोर रियली आर देयर. अब देखो हर चीज है यहां पे, एटम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हर चीज आसपास है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अवेयरनेस का नेक्स्ट स्टेप, ये जिनोगा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा शब्द अलग है इसलिए आमतौर पर हम मिस कर जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप अवेयरनेस का नेक्स्ट स्टेप, व्हाट यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, तुम इन चीजों के बारे में क्या सोचते हो जो तुम्हारे आसपास है, और व्हाट यू फील अबाउट देम, तुम इन चीजों के बारे में क्या महसूस करते हो, इज योर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू देम. आसपास की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम उनके बारे में क्या महसूस करते हो, ये क्या है आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. आसपास की चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कोई चीज आई तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. आज मैं सुबह दोपहर को आया यहां पे, कपिल शर्मा का एक मैंने शो देखा फोन में, और मुझे वो शो बड़ा अच्छा लगा. उसमें किसी ने ना कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा था, और उसमें कपिल शर्मा ने गाना गाया है और बीच बीच में अपने कॉमेडी की है, 8 मिनट का शायद था वो. तो उन्होंने क्या किया था, बीच बीच में काट दिया था, जब वो गाना गाते थे वो काट दिया, जो कॉमेडी करते थे वो कंपाइल करके डाला था. उसको देखने के बाद मैंने सर्च किया तो ढेर सारे वीडियोस पड़े थे, बट मैं वही वीडियो देखना चाहता था. तो मैंने फिर से वीडियो खोला, मैंने कपिल शर्मा के पीछे कौन सा अवार्ड शो था वो देखा, नाम देखा, फिर वो शो का नाम से मैंने सर्च किया, और फिर वो शो आ गया. वो करीब 50 मिनट का था, तो शुरू का 20-25 मिनट कपिल शर्मा का था. तो एक शो को देखने के बाद मुझे क्या लगा, वो अच्छा लगा. ये अच्छा लगना क्या है, मेरा रिस्पॉन्स, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज योर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू देम, एंड दिस वी कॉल थॉट और इमोशन. हम इसका नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, थॉट या तो इमोशन. सो द सुपरफिशियल अवेयरनेस इज अ वेरी सिंपल मैटर. सुपरफिशियल अवेयरनेस बहुत सिंपल चीज है कि आसपास चीजें हैं और हम उसको फील करते हैं. द डोर इज देयर, दरवाजा है, बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोर इज नॉट द डोर. लेकिन जब डोर के बारे में आप कुछ बताते हैं, दरवाजा काला सफेद लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, वो डोर नहीं है. एंड वेन वी गेट इमोशनली इन्वॉल्व इन द डिस्क्रिप्शन यू डोंट सी द डोर. और जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं बड़े इमोशनली, अरे कितना सुंदर था पता है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो तो डोर है ही नहीं. दिस डिस्क्रिप्शन माइट बी अ वर्ड और अ साइंटिफिक ट्रीटीज और अ स्ट्रांग इमोशनल रिस्पॉन्स. ये ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द हो दरवाजा, या कोई साइंटिफिक ट्रीटी हो, लकड़ी का स्क्वायर बना, रेक्टेंगुलर लकड़ी, इसमें जितनी शीशम की लकड़ी वगैरह वगैरह, या कोई इमोशनल रिस्पॉन्स, अरे मेरा बहुत पसंदीदा सुंदर कार्विंग हो रखी थी, ये रिस्पॉन्स. नन ऑफ दीज आर द डोर्स. लेकिन ये तीनों चीजें डोर नहीं है. द डिस्क्रिप्शन माइट बी अ वर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ये चीज समझ लीजिए शुरू से, बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं. वर्ड इज नेवर द रियलिटी. वर्ड डोर इज नॉट द डोर. वर्ड इज जस्ट अ मीडियम टू एक्सप्रेस डोर. शुरू से समझ लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दिस वी शैल गेट मोर एंड मोर कंफ्यूज. अगर आप ये समझेंगे नहीं, क्या नहीं समझेंगे, कि वर्ड इज नॉट द रियलिटी. द डिस्क्रिप्शन इज नेवर द डिस्क्राइब्ड. जो चीज डिस्क्राइब की जा रही है कभी भी वो डिस्क्रिप्शन नहीं है. गॉड, गॉड क्या है,
वर्ड है, गॉड हम जानते नहीं। अगर ये चीज हम ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लें, देन वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट लाइफ और गॉड। दो, वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग इवन नाउ, अभी भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एंड वी हैव टू, और हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, द थिंग्स वी आर डिस्क्राइबिंग इज नॉट आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। वाह वाह कृष्णमूर्ति, मजा आ गया। जिस चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो चीज वो नहीं है, कि केवल डिस्क्रिप्शन है। सो प्लीज बेयर दिस इन माइंड राइट थ्रू आवर टॉक, पूरे दौरान ये चीज दिमाग में रखिए कि जो भी चीज एक्सप्लेन की जा रही है वो केवल एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को सुन करके धीमे धीमे अपने अवेयरनेस को में आने दीजिए उसको। एक बड़ी खास चीज मैं चाहूंगा हम लोग अपने छोटे से ग्रुप को जान लें, कृष्णमूर्ति इज नॉट अ टीचिंग, कृष्णमूर्ति थिंग्स आर अनाउंसमेंट ऑफ फैक्ट। एक होता है पतंजलि योग सूत्र, वो टीचिंग है, वो फॉर्मूले हैं, उसमें दिया है कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, ये करोगे तो कहीं पहुंचोगे। कृष्णमूर्ति वो नहीं है, कृष्णमूर्ति आपको नीचे से पकड़ के ऊपर नहीं पहुंचाने वाले, कृष्णमूर्ति ऊपर पहुंच करके जोर जोर से सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, और मैजिकली आप नोवेयर डोर की तरह पहुंच जाएंगे, एनीवेयर डोर की तरह वहां पहुंच जाएंगे, अगर आप उस फैक्ट को फैक्ट की तरह समझे, उसको हिम्मत समझेगा, अच्छा हाँ कृष्णमूर्ति को सुनाई दे रहा है, अब मुझे भी ऐसे सुनाई देना चाहिए। कोई भी प्रैक्टिस मत बनाइए, स्ट्रेट अवे केवल फैक्ट की सच्चाई से। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, कृष्णमूर्ति बताइए, हम लोग बोलते हैं ये एप्पल का लैपटॉप है और ये एसर का लैपटॉप है, कौन सा अच्छा है? एप्पल, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब ये जब एस्टैब्लिश हो चुका है तब हम लोग क्वालिटी खोजेंगे कि क्यों भाई साहब क्यों अच्छा बोल रहे हो आप। ऐसे ही जब कृष्णमूर्ति किसी चीज को बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सच की तैयारी करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हैं, और जब आप सच सुन लेते हैं और उसमें से कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश नहीं करते, तब अगर आप रेडी हैं तो आप सच बन जाते हैं। दिस इज मैजिकल पावर इन कृष्णमूर्ति टीचिंग, दिस इज मैजिकल। तो ये ध्यान रखिएगा कि पूरे दौरान कि जो भी चीज एक्सप्लेन की जा रही है वो केवल एक्सप्लेनेशन है, सच वो नहीं है। नेवर कंफ्यूज द वर्ड्स विद द थिंग्स इट डिस्क्राइब्स, जिन चीजों को डिस्क्राइब किया जा रहा है वो केवल वर्ड्स है, उसके रियलिटी नहीं है, वो वर्ड्स को यूज किया जा रहा है आपको कुछ समझाने के लिए। द वर्ड इज नेवर द रियल एंड वी आर इजिली कैरीड अवे वेन वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस वेयर इट बिकम्स पर्सनल एंड वी गेट इमोशनल थ्रू द वर्ड्स। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो हम वर्ड्स के साथ इमोशनल हो जाते हैं। वर्ड्स के साथ अगर इमोशनल नहीं होगे तो आप जा सकते हैं। सो देयर इज अ सुपरफिशियल अवेयरनेस ऑफ ट्री, आप ट्री का एक ऊपर ऊपर का अवेयरनेस है, बर्ड का, डोर का, एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स टू दैट। एक पेड़ है और दूसरा क्या है उसके प्रति? रिस्पॉन्स, विच इज अ थॉट। वो रिस्पॉन्स क्या है हमारा? थॉट और फीलिंग और इमोशन। वो फीलिंग है, थॉट है, या तो इमोशन है। नाउ व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ दिस रिस्पॉन्स, और जब हम इस रिस्पॉन्स के प्रति अवेयर होते हैं, किसके प्रति? रिस्पॉन्स के प्रति। वी माइट कॉल इट अ सेकेंड डेप्थ ऑफ अवेयरनेस, ये सेकेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस है। आज मैं घर में घुसा, मैम ने मुझसे पूछा हाउ इज योर मूड, तो मैंने उनका वर्ड सुना हाउ इज योर मूड, उसके प्रति मेरा रिस्पॉन्स था नॉट गुड, ये अंदर अंदर था, एंड आई बिकेम अवेयर ऑफ इट। तो नॉट गुड को मैंने बदल दिया, मैंने कहा हाउ डू यू वॉन्ट माई मूड टू बी, फिर मैंने बोल दिया, वो उसको भी मैंने बदला, हाउ डू यू वॉन्ट माई मूड टू बी, वट हैव यू डन टू मेक दैट मूड। अपने रिस्पॉन्स को जब आप देखना शुरू करें, फॉरगेट अबाउट द जो पर्सन ने कुछ बोला है, दैट इज जस्ट सुपरफिशियल अवेयरनेस। सेकेंड लेवल क्या है? अपने रिस्पॉन्स के प्रति अवेयर हो पाना। देयर इज द अवेयरनेस ऑफ द रोज एंड द अवेयरनेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू द रोज। एक तो रोज के प्रति अवेयर होना है और दूसरा रोज के प्रति जो मेरा रिस्पॉन्स है, अरे कितना खूबसूरत रोज है, ये केवल शब्द है, ये रोज नहीं है,
ऑफन वी आर अनअवेयर ऑफ दिस रिस्पॉन्स टू द रोज, और हम अपने रिस्पॉन्स के प्रति अनअवेयर रहते हैं। पापा ने डांटा, वो तो अवेयरनेस है, कान में आई, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या है? ऐसे ही है ये, जिंदगी भर ऐसे करते रहते हैं, कभी सुधरेंगे नहीं ये लोग। ये तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जब मैं इसके प्रति अवेयर हो जाऊंगा देन आई गेट द पावर विच इज नॉट मैकेनिकल। दैट इज वाई कृष्णमूर्ति ऑलवेज सेड दैट अवेयरनेस इज नॉट मैकेनिकल। इन रियलिटी इट इज द सेम अवेयरनेस विच सीज द रोज एंड विच सीज द रिस्पॉन्स। एक्चुअली जो देखने वाला जो अबिलिटी है, रोज को देखने वाला और रिस्पॉन्स को देखने वाला, वो अवेयरनेस तो वही चीज है, एक ही चीज है। इट इज इन मूवमेंट एंड इट इज रॉन्ग टू स्पीक ऑफ आउटर एंड द इनर अवेयरनेस। इसलिए ये बात बोलना चाहिए कि बाहर का अवेयरनेस और अंदर का अवेयरनेस दोनों एक ही अवेयरनेस का तत्व है। When there is a visual awareness of the tree without any psychological involvement, there is no division in relationship. जब बाहर से आप देखते हैं और अंदर से कोई psychological involvement नहीं होता, तब आप के और उस चीज के बीच में, जो चीज आप experience करते हैं tree, उसके बीच में relationship होता है और उसमें कोई division नहीं होता, तब आप oneness महसूस करते हैं with the thing. अदरवाइज बीच में आ जाता है आपका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो डिवाइड कर देता है। बट व्हेन देयर इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ट्री, द रिस्पॉन्स इज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पास्ट मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस, एंड दिस रिस्पॉन्स इज अ डिविजन इन रिलेशनशिप। और जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं वो है क्या आपका पिछला? आपने देखा एक पेड़, अरे आम चौसा है क्या? चौसा आपको कैसे मालूम? परसों सर क्या खाया था, बड़ा मीठा था, हम तो चौसा ही लगाएंगे। फिर चौसा वाले से पूछा तो बोलता है चौसा अल्टरनेट ईयर में आता है। बट चौसा इज व्हाट? चौसा इज योर पास्ट विच यू आर ब्रिंगिंग इन टू द रियलिटी। उसकी वजह से डिविजन आ जाता है रिलेशनशिप में। दिस रिस्पॉन्स इज द बर्थ ऑफ व्हाट वी कॉल द मी इन रिलेशन टू द नॉन मी। नॉन मी मतलब जहां पर मैं नहीं हूं, पेड़ है और ये उसको एक्सपीरियंस करने वाला एक एंटिटी है, इसमें मैं कहीं नहीं है। लेकिन जब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं तब पैदा होता है मी, इज द बर्थ ऑफ द ईगो। दिस इज हाउ यू प्लेस योरसेल्फ इन रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड। इसी तरह से आप अपनी दुनिया के बीच में डालते हो, मैं शुक्ला, मैं ये, मैं यहां पर यह करना चाहता हूं। द वर्ल्ड इज सीन Not as it is, तब हमको दुनिया ऐसे नहीं दिखती जैसी है, but as its various relationship to me of the memory, दुनिया हमको अपनी memory के response में दिखाई देती है कि मैं अगर ऐसा होता तो। बहुत बार मैं कपिल शर्मा को देखता हूं तो मुझे लगता है अगर मैं कपिल शर्मा होता तो। श्रीश अक्सर बोलता है ऐसा कि पापा अगर मैं कृष्णमूर्ति होता तो, आप क्या मुझे भी ऐसे प्यार करते? तो तुम उसको बोलता तुम कृष्णमूर्ति नहीं, तभी तुझे बहुत प्यार करता। बट उसको दिखता है भाई कृष्णमूर्ति ज्यादा हीरो बन रहे हैं यहाँ पे, ढेर सारी फोटो लगा रहे, किताबें हैं कृष्णमूर्ति की। द डिविजन इज द लाइफ एंड द फ्लरिशिंग ऑफ एवरीथिंग वी कॉल अवर साइकोलॉजिकल बीइंग, एंड फ्रॉम दिस अराइजेस ऑल कॉन्ट्रडिक्शन एंड डिविजन। और यहीं से सारी डिविजन और कॉन्ट्रडिक्शन चालू होती है कि मैं यहां पर हूं और ये यहां पर नहीं है, अदर एंड मी सेपरेशन। आर यू वेरी क्लियर दैट यू परसीव दिस? आपको समझ में आ रही है कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? When there is the awareness of the tree, there is no evaluation. जब आप ट्री को एक्सपीरियंस करते हो उस समय कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इवेल्युएशन नहीं हो रही है। बट वेन देर इज अ रिस्पॉन्स टू द ट्री, वेन द ट्री इज जज्ड लाइक विद लाइक एंड डिसलाइक, then a division takes place in this awareness as the me and the not me and the me who is different from the things observed. जब आप रिस्पॉन्ड करते हो ट्री के प्रति, ये अच्छा ट्री था तो अच्छा बोला तो आपने उसको अपने साथ जोड़ दिया, और जब आपने बोला खराब तो उसको उससे अपने आप को अलग कर दिया। एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग इज व्हेन यू क्रिएट अ मी, अ सेल्फ। दिस मी इज द रिस्पॉन्स इन रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट मेमोरी। और ये जो मी है क्या आपका मी, वो पास्ट मेमोरी का रिस्पॉन्स है आसपास जो भी चीजें एक्सपीरियंस हो रही है उसके प्रति। Now, can there be an awareness
an observation of the tree without any judgment? And can there be an observation of the response, the reaction without any judgment? क्या ऐसा हो सकता है कि हम चीजों को परसीव करें और जज न करें कि अच्छा है कि खराब? और क्या यह भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरे अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी मैं जज न करूं? मेरे अंदर रिस्पॉन्स आया, ये अच्छा था कि खराब? इन दिस वे वी इरेडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन. अगर आप जज नहीं करते हैं तो जो डिविजन, डिवाइड करने वाला प्रिंसिपल है इन चीजों में, वो आप खत्म कर देते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ मी एंड द नॉट मी, जहां पर आप दूसरे से अलग हो रहे हैं वो प्रिंसिपल आप डिवाइड कर दे रहे हैं. बोथ इन लुकिंग एट द ट्री एंड लुकिंग एट आवर सेल्फ, जब आप दूसरे को ट्री को देखते हो और जब खुद को देखते हो तब भी. मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया. कृष्णमूर्ति केस जो सुन रहा था उसको, उसने बताया क्या बोला, उसने ढेर सारा वर्ड बोला. बोलता है I'm trying to follow you, मैं आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूं. लेट मी सी इफ आई हैव गॉट इट राइट, मुझे देखने दीजिए मैं सही से समझ पाया कि नहीं समझ पाया. देर इज द अवेयरनेस ऑफ द ट्री, दैट आई अंडरस्टैंड, ट्री का अवेयरनेस है मैं समझ रहा हूं. देर इज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ट्री, दैट आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, एक मेरा रिस्पॉन्स है ट्री के लिए साइकोलॉजिकल, वो भी मैं समझ रहा हूं. द साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज मेड अप ऑफ द पास्ट मेमोरीज एंड द पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट इज लाइक एंड द डिसलाइक, इट इज द डिविजन इन टू द ट्री एंड द मी, वो डिवाइड कर रहा है, पास्ट आ रहा है. यस आई थिंक आई अंडरस्टैंड ऑल दैट. फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं, इज दिस एज क्लियर एज द ट्री इटसेल्फ, जैसे ट्री दिख रहा है वैसे दिख रहा है, और इट इज सिंपली द क्लैरिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये खाली वर्ड सुन लिया और आपको लग रहा है शब्दों में कुछ सही बोला होगा कृष्णमूर्ति ने, ऐसा. व्हाट हैव यू गॉट, द थिंग और इट्स डिस्क्रिप्शन, तुम्हें क्या समझ में आया, जो चीजें बताई गई हैं वो सच्चाई या उसका डिस्क्रिप्शन? क्वेश्चन बोल रहा है आई थिंक इट इज द थिंग, बोलता है मुझे समझ में आ गई जो बात कह रहे हैं आप. कृष्णमूर्ति बोलते हैं देर इज There is the know me, who is description in the seeing of this fact. एक know me है, who is the description in the seeing of this fact, जो fact को describe करता है. In the seeing of the fact, there is no me. जब fact को आप देखते हैं और describe करते हैं उस समय मैं नहीं होता, past नहीं होता. There is either the me of the seeing, या तो देखने वाला एक होता है. There can't be both. दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक मैं हूं जो सब चीज में पास ले आ रहा हूं और एक जो फैक्ट को देख करके उसको डिस्क्राइब कर रहा है. दोनों चीजें एक साथ नहीं होती. द मी कैनॉट सी, कैनॉट बी अवेयर, जब मैं पास चला जाऊंगा तो देख नहीं पाएगा. क्वेश्चन बोल रहा है मे आई स्टॉप हियर, हम रुक जाऊं. आई थिंक आई हैव गॉट द फीलिंग ऑफ इट, मुझे लगता थोड़ा बहुत फीलिंग आ गई है, बट आई मस्ट लेट इट सिंक इन, मुझे रुकना, इसको अंदर जाने देना चाहिए. मे आई कम टुमारो, मैं कल आ जाऊं, आज नहीं बस.